टीचिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे HSSCET जो कि 5 और 6 नवंबर को होने वाला है, उसके लिए ऑफिशियल एक तरीके से लेटर आपका जारी हो गया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मीटिंग में DPR हरियाणा के ऑफिशियल ट्विटर पर ये अपडेट आ गई है। मीटिंग हुई थी, उसके बाद जो है ट्वीट आया, हरियाणा में ग्रुप सी के पदों की भर्ती के लिए होने वाली कॉमन पात्रता परीक्षा CET 5 और 6 नवंबर को आयोजित की जाएगी, जिसका संचालन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए 11,36,874 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। CET परीक्षा के लिए चंडीगढ़ समेत प्रदेश के 17 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह और शाम 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। इस प्रकार एक शिफ्ट में 3 लाख से कम बच्चे परीक्षा देने आएंगे। 7 नवंबर को रिजर्व डे रखा गया है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि ग्रुप सी के पदों की भर्ती के लिए होने वाली कॉमन पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के अनुसार राज्य सरकार द्वारा परिवहन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो ये आपका ऑफिशियल लेटर एक तरीके से जारी हो गया है और वेबसाइट पर भी आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि परीक्षा 5 और 6 को ही हो रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।